हाय प्यारे दोस्तों, मेरे नए ब्लॉग में आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। आज फिर लेकर आए हैं दोस्तों पुराने ज़माने की ट्रेन। आप लोग पुराने ज़माने की ट्रेन बहुत कम देखे होंगे, क्योंकि आज नए ज़माने की इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन और डीजल गाड़ी, बड़ी बड़ी गाड़ी देखते होंगे। हम आपको पुराने ज़माने का दिखाते हैं। 1988 की गाड़ी है, जो पहले शुरुआत में चली थी, मतलब छोटी वाली पटरी के हिसाब से बनाया गया था। आप लोग को दोस्तों मैं वीडियो में दिखाऊंगा, आप लोग वीडियो में पूरा देखना ये पुराने ज़माने की ट्रेन कैसे देखती है। दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, कुछ इस प्रकार का ट्रेन है। आगे का लुक दिखाते हैं दोस्तों, फिर उसके बाद आप लोगों को हम पूरा दिखाएंगे। ये छोटी ट्रेन है, छोटी पटरी वाली ट्रेन है, आपको हम पटरी भी दिखाएंगे। कुछ आगे का लुक ऐसा दिखता था दोस्तों। आप लोग वीडियो में बने रहना, मैं वीडियो आपको पूरा दिखा सकता हूँ। दोस्तों पुराने ज़माने की ट्रेन है, आप लोग देख सकते हैं। ये सिलेंडरी है, इंजन इसका पुराने ज़माने का है दोस्तों। 1980 में ऐसे बनाया गया था। इसका इतना बड़ा सेल्फ स्टार्ट आप लोग देख सकते हैं, कितना हैवी दिख रहा है दोस्तों। आप लोग को मैं पटरी दिखाता हूँ दोस्तों। इतनी पटरी से चलता था, देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का पीछे का नजारा। और पटरी दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इतना पतली है। और दोस्तों कुछ इस प्रकार का नज़ारा, हम दोस्त वगैरह सब लोग आए थे आज घूमने के लिए, यहाँ पर देखने के लिए। आप देख सकते हैं दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कुछ इसका इंजन वगैरह का ऐसा मटेरियल रखा हुआ है, पुराना हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, इतना बड़ा सेल्फ स्टार्ट है दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं पुराना हो चुका है, बहुत बड़ा सेल्फ स्टार्ट था। आप लोग देख सकते हैं बैटरी कहाँ है दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का नज़ारा है। ये मुर्तिजापुर में दोस्तों खड़ी है, मुर्तिजापुर आप देख सकते हैं, तहसील मुर्तिजापुर है। और इतनी पतली सी है। और दोस्तों और देख सकते हैं यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा भी लगाया गया है, कोई इंजन से ले न जाए दोस्तों। और पटरी दोस्तों इतनी पतली है, आप लोग देख सकते हैं, मैं पटरी के बीच में खड़ा हूँ, आप लोग को दिखा रहा हूँ। और कुछ इस प्रकार की ट्रेन है दोस्तों, ये 1980 की पहले की है दोस्तों, इतने की जानकारी नहीं है, इसमें सन वगैरह भी नहीं लिखा है, नहीं तो मैं आपको बताता कि कितने सन की है गाड़ी ये। और चक्के देख सकते हैं दोस्तों, कितने छोटे छोटे लगे हैं, लेकिन स्पीड में चलती थी वो, पहले के ज़माने में उस हिसाब से बनाया गया था दोस्तों। इसमें सन लिखा होगा, देख सकते हैं कितने सन की है, 2020। आप लोग देख सकते हैं इंजन का ये है, इसमें कुछ लिखा हुआ है दोस्तों, 2015 का इसमें लिखा हुआ है, लेकिन इसके पहले की है। और कुछ इस प्रकार की गाड़ी। और दोस्तों कुछ इस प्रकार की ये गाड़ी है, आप लोग देख सकते हैं तीन गाड़ी है यहाँ पर खड़ी है, तीन ये इंजन है दोस्तों। और यहाँ पर इंजन बनाने का प्रोसेस पूरा चालू था, और इंजन घुमाने का है दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं इंजन इस पर रख कर घुमाया जाता था, कैसे इंजन किधर से घुमाते थे। ये देखो दोस्तों, सब हिलाए रहे हैं इसको, रहने दो, ज्यादा मत। लॉक है, लॉकिंग लगा है, वो लॉक लगा है यहाँ पर। और दोस्तों कुछ क्या गिरेंगे तो नहीं दोस्तों, देख सकते हैं हमारे प्यारे दोस्तों सब आए थे यहाँ पर, हम लोग घूमने आए थे। इंजन ऐसा है अपना, कुछ इस प्रकार से। और दोस्तों ये इस पे रख कर इंजन को घुमाया जाता था, कि मतलब गाड़ी को इधर उधर घुमा देते थे, इधर का मुंह उधर कर देते थे, उधर का मुंह इधर कर देते थे, कहीं से गाड़ी घूम जाती थी, फिर उसके बाद फिर लेके जाते थे। और कुछ इस प्रकार का यहाँ पर पूरा दोस्तों जंगली जैसा बन गया है, जैसे जंगल का खदाना हो गया है। और डीजल भराने का आगे प्रोसेस है, मैं डीजल का भी आप लोगों को दिखाऊंगा। और कुछ इस प्रकार का है दोस्तों, हम लोग आए थे घूमने के लिए, यहाँ पर बड़ी वाली भी ट्रेन की पटरी है दोस्तों, आप लोग आवाज़ सुन सकते हैं दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा, और कितना अच्छा लगा यहाँ पर आने के बाद। हम लोग पुरानी गाड़ी देखे, जैसे पुरानी ट्रेन देखें दोस्तों,
और ये अपनी नई वाली ट्रेन जो चलती थी वो उधर है, इधर से आगे जाना पड़ेगा दोस्तों। और देख सकते हैं दोस्तों ये पुराने ज़माने की गाड़ी कैसी हो चुकी है, आप लोग देख सकते हैं पटरी वटरी ये सब दब गई है। इस आगे चलते हैं, आप लोगों को हम दिखाने का प्रयास करेंगे। देख सकते हैं दोस्तों कुछ बोर्ड में लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं डीजल लोको मुर्तुजापुर नरोगा नरोज लाइन। कुछ इस प्रकार का दोस्तों था, आप लोगों को हम दिखा चुके हैं, फिर आगे चलते हैं, आप लोगों को हम दिखाने का प्रयास जारी रहेगा दोस्तों। और इसका जो मेन पार्ट वगैरह हैं सब ऐसे पड़े हुए हैं, जंग लग रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर जंग लग रहे हैं। और दोस्तों ये अपनी ट्रेन की पटरी देख सकते हैं कितनी पतली सी है, आपको कैमरे में दिख रहा होगा कितनी पतली सी है ट्रेन की पटरी। और यहाँ पर रिपेयरिंग होती थी, वो जो अपनी छोटी वाली ट्रेन थी यहाँ पर रिपेयरिंग करते थे दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों देख सकते हैं आप लोग डीजल यहाँ पर भरते थे दोस्तों, ये डीजल मशीन है और डीजल रिलायंस पेट्रोल पंप था दोस्तों, यहाँ पर स्टेशन बनाए थे अपना, सिर्फ ट्रेन में ही डीजल भराया जाता था। वो पटरी उस साइड है दोस्तों, आप देख सकते हैं पटरी इधर है, देख सकते हैं इधर ट्रेन खड़ी हो जाती थी फिर इधर से भरा देते थे दोस्तों। और आप लोग देख सकते हैं अच्छा नज़ारा देखने को मिला आप लोगों को, आए थे दोस्तों आज आप लोगों को दिखाने का कुछ नया नया प्लान बन रहा था, हम लोग बना दिए थे। और इसमें हमारे दोस्त आए थे आप देखने के लिए, दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हम लोग अब निकल चुके हैं, फिर यहाँ से चलते हैं, फिर आपको रोड दिखाते हैं यहाँ पर आने के लिए रोड कैसा है और कैसा लगता है यहाँ पर। कुछ इस प्रकार का दोस्तों था, आप लोग को ट्रेन दिखाए और कुछ जंगल है दोस्तों, यहाँ पर पूरा एकदम जंगल ही दिख रहा है। दो मतलब ये सन 2010 में बंद हो गई थी दोस्तों, सन 2010 में दूसरी वाली ट्रेन ज़्यादा स्पीड पकड़ ली थी इसलिए इसको बंद कर दिए छोटी वाली लाइन। आप लोग को पूरा वीडियो दिखाए दोस्तों, कैसा लगा कमेंट करना, फिर आगे का सीन आपको आगे दोस्तों। फिर हम लोग यहाँ ट्रेन आप लोगों को दिखाए, फिर यहाँ से निकलते हैं दोस्तों, हमारी गाड़ियाँ वगैरह यहाँ से आ रही जंगल से। फिर आप लोगों को कैसा लगा वीडियो दोस्तों फिर बताते रहना, फिर आप लोगों को हम नया नया वीडियो लाने का प्रयास जारी रहेगा अपना, फिर देखते रहना दोस्तों। फिर यहाँ से अब चलते हैं आगे, देखते हैं कुछ रास्ता वगैरह आपको दिखाते हैं आने का रास्ता। दोस्तों देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का रास्ता है दोस्तों, रास्ता कच्चा है पूरा। आप यहाँ मुर्तुजापुर मार्केट में आएंगे, स्टेशन के पास ही है दोस्तों अपना ये पुराना जो ट्रेन है 1980 वाला, वो आप लोगों को हम दिखाए। और कुछ इस प्रकार का रास्ता है दोस्तों, आप लोग कभी भी आएंगे किसी से भी पूछेंगे स्टेशन पे जाना है तो आप लोग को स्टेशन पता लग जाएगा। फिर उसके बाद आप लोग ट्रेन देख सकते हैं, कुछ घर वगैरह भी बने हैं यहाँ पर, बस्ती है दोस्तों आप लोग देख सकते हैं। पूरी ट्रेन की पटरियाँ ऐसी है कि पूरा जंगल में दब चुकी है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं पूरा जंगल में दब चुकी है। ये देखो ये पूरा पटरिया जैसा जंगल में दब चुकी है, पूरा घास है, घास दिख रहा है, जंगल ही दिख रहा है दोस्तों। और आने के लिए दोस्तों इधर ही से आना पड़ेगा आपको, दरियापुर रोड से सीधा आओगे तो आपको आगे लाकर ये रोड में मिला दिया जाएगा। हम लोग रास्ते पे पहुँच चुके हैं, अब फिर रोम के साइड चलते हुए हम लोग चल रहे हैं, फिर आगे आपको रोम पे दिखाते हैं हम लोग का रोम कैसा है, कितना बड़ा है, आप लोगों को हम रोम भी बताएंगे दोस्तों, बस वीडियो में बने रहना आप लोग। तो आप लोग देख सकते हैं हमारा रोम ऐसा है, यहाँ पर हम लोग रहते थे दोस्तों, कितना अच्छा नज़ारा है यहाँ का, किराए से रहते हैं दोस्तों, आप लोग को देख ही सकते हैं। आप लोग ने देखा दोस्तों ट्रेन आपको दिखाए पुराने ज़माने की, 1980 की ट्रेन दिखाए दोस्तों, कैसा लगा जैसा भी लगा हो दोस्तों वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक ज़रूर करना दोस्तों, और चैनल सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, फिर आप लोगों को अच्छा अच्छा वीडियो लाने का हम प्रयास जारी रहेगा अपना। कुछ भी गलती हुई हो दोस्तों वीडियो में तो माफ़ करना, फिर आपको अब नया नया वीडियो फिर लाएंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।